हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. आई एम टेलिंग यू अबाउट योर रिजल्ट. बता रही हूँ मैं आपके रिजल्ट के बारे में. इस परीक्षा में शामिल होने वाले जो परीक्षार्थी आयोग कार्यालय में चक्कर लगा लगा कर जो है वो बहुत परेशान हो गए थे और आयोग की कार्यप्रणाली को कोस रहे थे. छात्र सोनू कुमार, रमेश कुमार, राहुल कुमार, जो कि मीडिया में लिखा गया है, न्यूज़ में बताया गया है कि ये परीक्षा वर्ष 2018 8 से 10 दिसंबर तक हुई थी और इस परीक्षा के लिए वर्ष 2014 में विज्ञापन आया था. 5 साल गुजरने के बाद एक रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है. ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंटर स्तरीय परीक्षा 2016 में 29 जनवरी और 5 फरवरी को ली गई थी. दोनों दिन परीक्षा का पेपर लीक हो गया था. ठीक है, तो नकल चली थी और इसमें बाद हंगामा मच गया था और इसके बाद जांच कमेटी बनाई गई थी. इसके आयोग के अध्यक्ष और सचिव दोनों आरोपी ठहराए गए थे. पेपर लीक मामले में दोनों अभी भी जेल में हैं. ओम प्रकाश पाल, सचिव BSSC ने कहा है कि रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया चल रही है, कुछ तकनीकी कारणों की वजह से विलंब हो रहा है. और मैं आपको आपके रिजल्ट के बारे में बता देती हूँ कि बिहार कर्मचारी यानी कि BSSC इंटर लेवल रिजल्ट 2019 इंटर स्तरीय PT का रिजल्ट नहीं दे सका है. ठीक है, अभी भी आयोग के कर्मचारी समय बताने में असमर्थ हैं. अभी तक इन्होंने जो है ना समय नहीं बताया है, एक एक्यूरेट डेट नहीं बताई है, अंदाजा भी नहीं बताया कि कब तक जो है ना आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा. तो इंतजार थोड़ा मुश्किल होने वाला है और सिर्फ बताया जा रहा है कि तकनीकी कारणों की वजह से रिजल्ट में विलंब हो रहा है. और आयोग ने इंटर स्तरीय परीक्षा दिसंबर 2018 में ली थी, इसमें 18 लाख कैंडिडेट शामिल हुए थे. अभी तक कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा. आई होप एज सून एज पॉसिबल आपका रिजल्ट आ जाए. और अगर आपने वीडियो जो है लास्ट तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन, डोंट फॉरगेट प्रेस बेल आइकन, बिकॉज ऑफ यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन रिगार्डिंग योर रिजल्ट क्विकली. जैसे आपका जो है रिजल्ट आएगा, आई विल मेक अ वीडियो एंड आपको जो है नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच.